ये जो देख रहे गंगा माँ का विकराल रूप है, आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गंगा माँ ने। 2024 का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। लगा था कि बाढ़ इस बार नहीं आएगा, लेकिन बाढ़ आ गया है। अब उम्मीद करते हैं कि यहीं से गंगा माँ घटना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अगर इसके आगे बढ़ती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। जो भी स्थानीय लोग हैं जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत होने वाला है। ये विकराल रूप आप देख सकते हैं गंगा माँ का, कितना भयानक लहर है। ये देखिए, नाव सेवा इसीलिए बंद कर दी गई है। सामने वो नमो घाट। राम राम दोस्तों, क्या सभी के बनारसी का, इसके बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस समय हम खड़े हैं, सॉरी बैठे हैं नमो घाट पे। हमेशा खड़े खड़े मतलब आदत रहे खड़े रहने की, अभी फिलहाल बैठ गए हैं और समय नमो घाट पे बैठे हैं इसलिए क्योंकि बहुत थक गए हैं वीडियो बनाते बनाते। तो ये आप लोग के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, बाढ़ में घुस के बाढ़ का पूरा वीडियो बना के दिखा रहे हैं, तब भी आप लोग देख नहीं रहे। देखिए बनारस की स्थिति क्या है, क्यों दिखा रहे हैं कि आप लोग बनारस आने का प्लान अभी मत करिए। बनारस आने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उसको एक महीने बाद का प्लान करिए। बनारस की स्थिति अभी सही है नहीं, मतलब बनारस की स्थिति कहीं से ही बाढ़ आया हुआ, पूरा घाटों कनेक्शन टूटा हुआ है। बोटिंग कर ना पाईबा, घाट घूम ना पाईबा, क्या करे बा बनारस। दर्शन करे, हाँ दर्शन करा सकला, दर्शन करे आ जाइए। अभी अब तो लेकर लेकर टू लोग लेकर चले थे नमो घाट दिखावा थी, पूरा डूब गला नमो घाट, वहाँ का नज़ारा देखा। और वीडियो पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करा ठीक, उसके बाद शेयर भी कर दिया। अच्छा आपके सर मिलप तो से वीडियो के एंड में। अभी देखिए हम लोग ये नमस्ते स्ट्रक्चर के पास में खड़े हैं, 75 फीट का नमस्ते स्ट्रक्चर। अभी देखोगे तो ये पानी जो है नीचे तक आ गया, पूरा वो डूब गया है आधा ज़्यादा। और इधर भी देखोगे ये भी है नमस्ते स्ट्रक्चर, तो ये भी जो है ये भी डूब गया है। और पानी देखोगे तो ये यहाँ तक आ गया है और ये धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अभी जो गंगा का जलस्तर है वो 70 मीटर के पास में है, उससे थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है, जो कि डेंजर चेतावनी बिंदु से जस्ट थोड़ा सा ही कम है, कुछ सेंटीमीटर। और इसके बाद जो है 71 मीटर का जो डेंजर लेवल है उसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे जलस्तर। यहाँ पर देखोगे राजघाट, और वहाँ से आपको समझ जाएगा कि गंगा का जलस्तर क्या है। जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊँ वहाँ से कितना तेज़ लहर जो है वो निकल रहा है, पता चल रहा है आपको। और यहाँ पर देखो पूरा घाट जो है वो खाली है। नॉर्मल दिनों में यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, इतना अच्छा मौसम है कि लोग यहाँ पे आते रहते हैं, अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। लेकिन अभी यहाँ पे एकदम लगभग खाली इस टाइप का है। जो लोग भी आ रहे हैं वो गंगा के जलस्तर को देखने के लिए आ रहे हैं कि अभी कितना बना हुआ है। अभी हम लोग आपको आगे ले चलेंगे उस साइड पर, उस साइड से भी आपको दिखाएंगे ताकि चीज़ें आपको और समझ में आए। ये देख रहे हो जो ऊपर यहाँ पे लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, उससे बस थोड़ा सा ही नीचे है पानी, देख रहे हो। अगर ये डेंजर लेवल पे आता है पानी तो फिर ये सब भी कवर कर लेगा और पूरा पानी पानी हर जगह हो जाएगा। फिलहाल जो निचले इलाकों में जो पानी जाना है वो चालू हो गया है, जो भी निचले इलाके हैं बनारस के वो लोग भी पलायन करना शुरू कर चुके हैं। तो चलो हम आपको ले चलते आगे और आगे इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये जो है ये सेकंड फेज़ का यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ से देखेंगे गंगा जी काफ़ी ऊपर तक आ गई हैं। पहले गंगा जी इसके पहले काफ़ी नीचे चली गई थी, ये चौथी बार लगातार बढ़ी हैं गंगा जी। ये देख सकते हैं जो वो वाला स्कल्पचर है, एक दो 25 फीट का है, एक 15 फीट का है स्कल्पचर। और ये देखिए ये अभी नया स्कल्पचर बना है, तो ये सब है। बाकी ये जो अभी इस बार गंगा जी बढ़ी हैं वो इस बार की सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं गंगा जी। और यहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से तो व्यू है। लेकिन यही है कि यहाँ पर बाउंसर वगैरह भी लगे हुए हैं कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, क्योंकि एक्सीडेंट होने का भी यहाँ पर चांस ज़्यादा है, क्योंकि लोग यहाँ सुनते नहीं हैं, तो यहाँ पे बाउंसर लगना भी ज़रूरी था। गार्ड्स वगैरह भी हैं, और ये देखिए नाव वगैरह इन लोगों का ऊपर अभी खड़ा है। और यहाँ देखेंगे तो ये पहले जाने का रास्ता था, यहाँ से लोग जाते थे, वहाँ से होते हुए ऐसे घूमते हुए जाते थे। ये आपका सेकंड फेस में आएगा। अभी चलते हैं उधर भी दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे इससे पहले के वीडियो में बहुत सारे एक्टिविटी भी होते थे इस पर, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको भी इस पर बंद कर दिया गया है। और जो उधर एक्टिविटी होते थे वो इस साइड होना शुरू हो गए थे, अभी तो फ़िलहाल इधर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। आगे क्या पता चलते हैं, तो उधर भी चल के आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल देखिए जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग यहाँ पर अपना नाव वगैरह साइड कर रहे हैं, और देख सकते हैं। देखिए जो भी एक्टिविटी थी यहाँ पे, यहाँ देखिए पुल है पिज़्ज़ा हेवन नमो घाट करके। अभी यहाँ तक पानी नहीं आया, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ तक तो आ चुका है पानी, ये जो देख रहे हैं आप। पिछले बार ये सब भी जगह पानी नहीं थी, सब जगह नीचे टॉय ट्रेन वगैरह चल रही थी। ये जो नाव देख रहे हैं ना, ये सब जगह पहले टॉय ट्रेन चल रही थी पूरी। और ये तो आपको दिखाई दिया गया है वीडियो में कि पूरा ये हाथ पूरा डूब चुका है। और इधर देखिए जो एक्टिविटीज़ होती थी वो सबको पैक करके रखा गया है, शाम में हुई। अभी ये ऊपर का फ्लोर जो है, नीचे वाला भी पूरा डूब गया, ऊपर वाला जो ये है ये अभी पूरा बचा हुआ है, इस पर भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं।
और जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे एक्टिविटीज़ चालू कर दी जाएगी। आज मौसम सुहाना था, अच्छा मौसम बना हुआ था, इस वजह से एक्टिविटीज़ उतनी चालू नहीं की गई। और आगे चलेंगे तो आगे देखिए वहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है, वो लास्ट घाट है जहाँ हेलीपैड बना हुआ है, वो लास्ट घाट है पूरा बनारस का। 84 घाट आप घूम चुके होंगे इस तरीके से, अगर 80 से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तक पूरा लास्ट घाट है। अभी देखिए बच्चों के लिए खेलने वाला ये, इसमें बच्चे बाय वो कार चलाते हैं, वो चीज़ बना हुआ है। अब बहाव गंगा जी का बहुत तेज़ बहाव देखेंगे, ये दिखा रहे हैं। ये देखिए बहाव कितना ज़्यादा है गंगा जी का, बहुत ज़्यादा बहाव है दोस्तों। सामने वो राजघाट पुल आपको दिख रहा होगा, बहाव इतना, गंगा जी का इतना विकराल रूप दिख रहा है ना, मतलब इस बार का मतलब जो बाढ़ आया सबसे अधिक इसी साल, मतलब 70 मीटर क्रॉस कर गया है, इसके पहले 69 मीटर था, अब 70 मीटर क्रॉस कर दिया गया है, तो इस बार का सबसे हाईएस्ट यही था जो अभी बाढ़ में, अभी जो बाढ़ आया हुआ है। ये देखिए हम लोग इधर आ गए हैं, और ये देखोगे ये पुराना स्ट्रक्चर, ये सही नारा कभी हुआ करता था लेकिन अभी से ढक दिया गया है। तो ये देखोगे पूरा पानी जो है ये पूरा जलमग्न हो गया है, ये पूरा तो गंगा मां बढ़ गई है सर्विस, इस वजह से लेवल जो है वो आप समझ सकते हो कितना नीचे होगा। हाँ, बहुत यहाँ से नीचे है, नीचे था सही नाला का लेवल, उसको गंगा मां ने कवर कर लिया है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ढका हुआ है। तो ये पूरा पानी इधर आया और ये ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी फन एक्टिविटीज उधर भी होते थे, वो जो उस साइड वगैरह चलते थे वगैरह उधर ही है। हाँ, वो बंद कर दिए गए उधर, अभी सारे जब नाव बंद हो गए हैं शब्दार्थ, तो जाहिर सी बात है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। हाँ, और इसके बाद ये अगर आप देखोगे जो टावर दिख रहे हैं आपको, पता चले कितना अधिक टावर डूब चुके हैं। इसके बाद में पड़ता है आदि केशव घाट, भगवान विष्णु का घाट जो पड़ता है उधर, ये जेटी वगैरह भी इधर, वो भी घाट है सबसे लास्ट घाट है। इसके अलावा देखो ये सब सामान जो जेटी वगैरह, ये बोटिंग वगैरह जो करा रहे हैं उधर कोने में, ये लोग को पूरा प्रतिबंध है, मना किया गया है, ये लोग चोरी छुपे बोटिंग करा रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए ना तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। हाँ, क्योंकि बोटिंग पूरी तरह से बंद है, स्टीमर आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, बोट इतना ज्यादा लहर है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, प्रतिबंधित है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी है, जान का रिस्क है, फिर भी उसमें लोग चला रहे हैं, लेकिन इधर का व्यू काफी बढ़िया लग रहा है। इसके जस्ट पीछे में कॉलेज है, बसंता कॉलेज है, तो पूरा जंगल नुमा एरिया है पूरा, इधर देखो तो पूरा हरा भरा है, और मौसम भी आज काफ़ी सही सुहाना बना हुआ है। यहाँ से आपको लहर नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इधर पानी ठहरा हुआ है, उधर लहर है वो आपको आगे, उधर जब मैं जूम करूँगा तो उधर आपको लहर अच्छे से समझ में आएगा, तो काफ़ी तेज़ लहर है। और ये सब जो पानी बढ़ा है वो बस कुछ ही घंटों में बढ़ा है, मतलब कि 24 से 48 घंटों में ये जो पानी है, ये क्या दो दिन इसी में ये पानी बढ़ा है। दोस्तों अभी जैसा कि आप देख सकते हैं गंगा माँ का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पिछले वीडियो में आपको हमने 80 घाट का नजारा दिखाया, इस वीडियो में हम लोग नमो घाट आ गए हैं। नमो घाट पे कितना जलस्तर हो गया भैया गंगा जी का? यहाँ पे लगभग जो चेतावनी बिंदु है वही है, 70 मीटर के ऊपर चल रहा है, और धीरे धीरे वो डेंजर लेवल के पास पहुँच रहा है, 71 मीटर डेंजर लेवल है जी। और यहाँ पे काफी ज्यादा लहर है, तेज है लहर है, तो ये देखते हैं ये ट्रेंड का बना रहता है। तो यही है कि यहाँ से मतलब जितनी भी नावें वगैरह है सबको साइड में ही रखा गया है, और जबरदस्ती यहाँ पे कुछ नावें चलाई भी जा रही है, तो ठीक है ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, हो सकता है उन लोगों को तैरने वगैरह आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि नहीं चलाना चाहिए जब प्रशासन का आदेश है तो नहीं करना चाहिए। तो और बहुत ज्यादा गंगा माँ का जलस्तर बहाव हाँ। इतना ज्यादा ना शब्दार्थ, मतलब इसमें कोई अगर वो चप्पू वाली नाव रहेगी ना तो चल ही नहीं पाएगी, वो नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों यही वीडियो के माध्यम से दिखाना था, बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मेरे चैनल बनारसी आकाश है, गंगा किनारे वाले मेरे चैनल का नाम है, और मेरा भोकाल है, तो तीनों लोग के चैनल का नाम आपको पता चल गया। आप सब्सक्राइब करिए जल्दी से और वीडियो देखिए और शेयर करिए चाप के, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, हर महादेव।